इसे दिखाए कि आप ओपनर हैं, जबरदस्त आनिया तब तक बचते रहने से इन लोगों के लिए, आप सब लोग जोश से इनका स्वागत करें, इनके आने वाले भविष्य के लिए जबरदस्त आनिया बजाएं, यस। तो ये चुनिंदा चेहरे जो आप देख रहे हैं, भीड़ से कुछ अलग किए हैं और ओपनर बने हैं, बस इनका हम सिर्फ और सिर्फ आपके बीच केवल और केवल नाम बताना चाहेंगे, इनसे केवल फर्स्ट नाम अपना बताएंगे बस। अभिषेक कुमार फ्रॉम घोसी, सुनील कुमार वेल, रंजीत कुमार मखदुमपुर, मास्टर डॉक्टर उदय कुमार बिरंतु जहानाबाद, तिलक चौहान जहानाबाद, जय आरसीएम संजय कुमार काजीसराय जहानाबाद, अरविंद कुमार कराना, जय आरसीएम सुनील कुमार अरवन, ये तमाम लीडर है सर, जो सीनियर लीडर है इनको मौका दे दिया जाए तो पूरा प्रोग्राम खत्म कर देंगे, लेकिन इन्हें भी पता है कि आज हम लोगों के पास एक प्रोटोकॉल है, आज हम लोग सर को महागुरु को सुनने आए हैं, तो जबरदस्त तालियों के साथ इनको पुनः अपनी जगह पे भेजना चाहेंगे, आप लोग का साथ इनके लिए होना चाहिए, शानदार तालियां। और इसी के साथ ताकि मैं अगला लेवल को बुलाने वाला हूँ, ऐसे लोग जो ईगल कहे जाते हैं, ईगल उड़ने लगते हैं साथी, 1,15,000 का परचेज वॉल्यूम करते हैं, सेल्स और बी ग्रुप मिला के 30,000 मिनिमम होती है और 0.2 पॉइंट उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, कंपनी अपने टर्नओवर में से 2 पॉइंट बना करके उन्हें हिस्सेदार बनाती है, तो हमारे बीच जितने भी ईगल साथी हैं, तमाम ईगल साथी भागते हुए मंच पे आएंगे, आपका सागर वेलकम है, जबरदस्त तालियां बजते रहना चाहिए बाकी साथियों के लिए, और टोटल 1 मिनट ईगल हमारे बीच आ रही है, तालियां बजते रहना चाहिए, तालियां तेज नहीं है साथी, तालियां आपका तेज नहीं है, ये हमारे ईगल साथी हैं, इनसे भी इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। नाम किरण देवी, दूरी से चल के आई हूँ और अगला टारगेट कर रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त तालियां। नाम विनोद कुमार, धाम मसौड़ी बिलौली, और पेशे से कोरोना से लड़ने वाला डॉक्टर, और एक मैसेज के रूप में ही कहेंगे, बना ले रे जमाना, चाहे जितना तुम्हें नेटवर्क बनाना है, एक 21वीं सदी में आरसीएम का झंडा ही लगाना है। नाम राजेश कुमार आर्या, परसा बाजार से, और अभी जो अगला टारगेट है रनर का है। नाम वीरेंद्र यादव, झारखंड कोडरमा से, अगला टारगेट भी लगता है। नाम पीटर कुमार, भारत से, जो अगला सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां, और इनको भी मंच से हम अपनी जगह पर भेजना चाहेंगे, जबरदस्त सर, बहुत बहुत बधाई आप सब लोग के लिए, और साथ ही इसके बाद का जो पायदान होता है वो होता है रनर का, रनर वो साथी होते हैं जो बहुत ही करीब हो जाते हैं, रॉयल्टी के बहुत ही करीब होते हैं, और अगला जस्ट टारगेट उनकी रॉयल्टी की हो जाती है, टोटल परचेज वैल्यूम बात करें तो 1,70,000 पीवी यानी 3.5 लाख का टर्नओवर अमाउंट में बात करें, और वो बहुत ही खास होते हैं, टोटल हुआ 1,70,000 सेकेंड और पर्सनल मिला के मिनिमम 40,000, तो बहुत ही स्पेशल साथी को बुलाने जा रहे हैं, तो आपके स्पेशल साथी आपका तालियां जरूर चाहेंगे उनके लिए, तमाम रनर की तेजी से भागते हुए, प्लीज जबरदस्त तालियां, तेजी से भागते हुए रनर आप हैं, भागते हुए आएंगे तेजी से, जोरदार तालियां बजते रहने की आपका। मुन्ना कुमार बेलागंज से, और अगली टारगेट जो है तो अमित कुमार अरवल से, और अगला टारगेट स्टार, ये बहुत सुंदर, ये लोग रॉयल्टी बनने वाले हैं बहुत जल्द, और इनको अग्रिम बधाई हम देना चाहेंगे, और फिर से आप लोग का उत्साह के साथ इनको
पुनः अपने जगह पर भेजना चाहेंगे, तालियां बजा दें इनके लिए वन सेकेंड। बहुत बहुत बधाई हो। तो साथी मेरी जिम्मेवारी यहीं तक थी और आशा करते हैं कि आप सब लोग को मजा आया होगा मिलकर के। हमें तो आप लोगों के देख करके मजा आता है ऑलवेज। और साथी मैं पुनः शुक्रगुजार हूँ उस पल का जिस पल में मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिला था। आज मैं महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज अगर जो जीवन में ये RCM ना होता तो पता नहीं आज मेरे जैसा इंसान कहाँ होता, किस भीड़ में कहीं ना कहीं खोया होता। तो आज हमेशा शुक्रगुजार मैं रहूँगा उस शख्स का जो आज तो नहीं है और बीच लेके मेरे को पहले बार प्लान दिखाए थे। और हम अपने गुरुदेव जो आज ऑर्गेनाइजर भी हैं और हमेशा मदद करते आए हैं, तो हम पुनः सर को दिल से आभार प्रकट करते हुए वन सेकेंड मैं वापस बुलाना चाहूंगा आपके पास शानदार तालियों के साथ पंकज सर का जबरदस्त स्वागत, जबरदस्त तालियां पंकज सर के लिए बजना चाहिए। थैंक यू संगीत जी ने आपको नन्हे नन्हे पौधों से मिलवाया, मिले आप लोग आने वाले दिन में रॉयटी टेक्निकल के बड़े बड़े बट ब्रिज बनेंगे। तो हमारे ऑल भाइटर के लिए सामूहिक रूप से आप लोग ताली बजाइए ऑल भाइटर। मित्रों आज हमने जिस प्रोग्राम में है ये अपने आप में आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी बन गई है। क्या बन गई है? करोड़पति बनने का यूनिवर्सिटी, कामयाब होने का यूनिवर्सिटी, जीवन में सक्सेस का यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग आज एक सफलता की यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं इस भीषण गर्मी में, एक बार ताली अपने लिए बजा लीजिए। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आते हैं साहब? यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं? हम लोग सब लोग मिडिल क्लास करते हैं, वेरी गुड। ये जो हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली है सर, बड़ा अजूबा चीज है। और हम लोग मैक्सिमम लोग उसी माइंडसेट से आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग का माइंडसेट जो है बचपन से थोड़ा सा अजीब तरीके से बताया जाता है और वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रुकावट हो जाता है, इसके कारण सफलता बहुत दूर हो जाती है। और आज आपके दिमाग के बहुत से लॉक को यहाँ खोला जाएगा, मस्तिष्क के दिमाग का आपका री प्लानिंग होगा ताकि आप जीवन में बड़ा कुछ कर सके। क्या बड़ा करना चाहते हैं? Yes! जो नहीं बोल रहे हैं? Yes! क्या जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं? Yes! रोका किसने? रोका किसने? आपकी सोच ने, आपका एजुकेशन ने, आपके माहौल ने। इस माहौल ने हमको कैसे रोका है थोड़ा सा हम प्रूफ करेंगे आपको। तैयार है आप लोग? yes! हम लोग बचपन में किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़े हैं और बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, ऐसा? yes! तो स्कूल में जो मास्टर साहब हमको पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर साहब हमको पढ़ाते हैं, उस बेचारे से पूछो कि भाई साहब आप क्या करते हैं? क्या 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 जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे? क्या देंगे जवाब? और एक ओपन चैलेंज है मेरा कि एक नौकर किसी को उठा के मालिक बना सकता है क्या? बात समझ में आ रही हो तो ताली बजा दीजिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एकेडमिक और क्वालिफिकेशन आपको कामयाब नहीं बना सकता, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आप कामयाब, एकेडमिक के अलावा जो क्वालिफिकेशन चाहिए आज आरसीएम यूनिवर्सिटी आपको देने के लिए तैयार है। और आज इसके सबसे बड़े प्रोफेसर आपके बीच आने वाले हैं, एक बार ताली बजा लीजिए। क्या क्या दिया गया हमको बचपन से? बिल्कुल हाथी के बच्चे की तरह जंगल से पकड़ के लाया गया, मोटा मोटा जंजीर में देके बांधा गया, बच्चा कमजोर था जंजीर को तोड़, धीरे 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 करके एक बड़ा हाथी बना। लेकिन तब तक दिमाग में एक लॉक लगा कि सामने वाला बिल्डिंग हम ढाल सकते हैं, सामने वाला पेड़ को उखाड़ सकते हैं, लेकिन जो पैर में लॉक है उसको हम तोड़। उसके बाद उस हाथी को एक मामूली रस्सी से बांध दो, हाथी कभी तोड़ता, जबकि हाथी के अंदर में इतनी ताकत आ चुकी है कि वैसा 10-20-50 रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन कभी तोड़ता। बचपन से चीज डाला गया, बेटा 30-40 साल के नौकरी के लिए तू जन्म लिया है। मेरे हिसाब में क्या डाला गया? 30-40 साल के
30-40 साल के नौकरी वाले में बचपन से डाला गया तो 25 साल में हम बन पाते हैं, यही तो मेरे साथ फैमिली है साहब। बात समझ में आ रही है तो ताली बजाएं। कभी 5-10 लाख का पहुंचा ही नहीं, जो सोचा ही नहीं है वो मिलेगा क्या? आगरा में ताजमहल है, और शायद आपको पता होगा कि आगरा से पहले ताजमहल शाहजहां के दिमाग में था। अगर गलती से शाहजहां के दिमाग में झोपड़ा होता तो आगरा में क्या खड़ा होता? जिंदगी अगर ताजमहल है तो आपके दिमाग में पहले आया था, और जिंदगी आज आपका झोपड़ा है तो भी आपके दिमाग में पहले पहले क्या क्या सिखाया गया? बेटा जितना चज्जर है उतने गोड़ पसारना, पसारना पसारना गजब। हमने जब इस कहावत के पीछे स्टडी किया तो पता चला कि यह कहावत अंग्रेजों के टाइम में बना था, जिस समय चद्दर इंग्लैंड से आता था, और बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल इस्तेमाल चद्दर बनता है भारत में। चद्दर से बाहर गोड़ निकालो, पैर में ठंडा लगेगा, मच्छर काटेगा, नया चद्दर खरीदा गया। ताली बजाने क्या सिखाया गया बचपन से? थोड़ा सा प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, थोड़ा सा आपके ब्रेन के साथ हम प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? लॉक खुलेगा साहब, धीरे धीरे लॉक खुलेगा, और बीसी सर के आने से पहले पूरा लॉक आपका हम खोल देंगे, ताकि वो अपनी बात को आपके अंदर डाल सके। लेने के लिए तैयार है? कितने लोग? वेरी गुड, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिए। जितना चद्दर उतने गोड़ पसारना, चद्दर से पैर बाहर निकालिए, चद्दर खजाएगा। यस। दूसरा सिखाया गया, क्या सिखाया गया साहब? क्या सिखाया गया और क्या सिखाया गया? बड़ी तरह की चीज आपको सिखाया गया। यस। बहुत तरह का चीज आपको सिखाया गया जो कि आपको मिडिल क्लास मानसिकता में जकड़ के रखे हुए है। मैंने चद्दर का एक एग्जाम्पल दिया दिया साहब, हाथी के बच्चा के तरफ पकड़ के रखा गया, आपको जंजीर में बांधा गया, आज ताकत होने के बाद भी उसको तोड़ नहीं रहे क्योंकि बचपन से बांध के रखा गया। यस। एक चीज और सिखाया गया साहब, जरा बोर्ड पर गौर कीजिएगा, बहुत डराया गया, बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है? हाँ, ये कहावत कितने लोग सुने? वेरी गुड वेरी गुड, सब मेरे ही तरह है, एक बार ताली बजा दीजिए। बड़ी मछली छोटी मछली को सिखाया गया, सबसे बड़ा बीमारी। भाई यहां से 20 किलोमीटर दूर घोसी प्रखंड में छोटा सा गांव है मेरा सहोविया, आज से जब हम बहुत छोटे थे तो बड़ी बड़ी बसें चलती थी, बड़ी 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 बड़ी, और बस ऊपर से नीचे से भरा हुआ होता था। आज बस में नजर आता नहीं है, बस खत्म हो चुका है। मेरे गांव तरफ बस जाती थी उतना नहीं है, अब हर गांव में क्या जाती है? ऑटो और टोटो जाती है। क्या जाती है? अब एक बात बताओ भाई कि ऑटो बड़ा की बस? ऑटो बड़ा की बस तो हो गया उल्टा, ऑटो टोटो किसको खा गया? पढ़े क्या थे? बड़ा मछली ट्यूबलेट कैसे गया? और अभी बहुत जल्दी हर हाथ में मोटरसाइकिल आएगा, आएगा साहब। अब टेम्पो बड़ा कि मोटरसाइकिल? बहुत जल्दी मोटरसाइकिल टेम्पो को भी खा जाएगा। बात समझ में आ रहा हूं तो ताली बजा दीजिए। यस सर, मिडिल क्लास मानसिकता, लॉक को थोड़ा और खोलेंगे। बात आपसे 20 साल 25 साल पहले की है, टीनेजर थे कॉलेज लाइफ में जो हम थे, तो जहानाबाद में हमारे यहां 3-3 वो सिनेमा हॉल चलता था, याद है किसी को? याद है? और तीनों में धक्का मुक्की होता था साहब टिकट लेने के लिए, हम कितना बार किए हैं कॉलेज लाइफ के टाइम में। यस। अभी सिनेमा हॉल का क्या हाल है? क्या है?
अरे जो सबसे सुंदर सितंदर सिनेमा हॉल होता था, आजकल उसमें पॉटी बुटिंग चलता है, और कई बार तो उसमें मेरी मीटिंग भी हुई है, जहाँ पर अमिताभ बच्चन को देखते थे वहाँ पर हमको खड़ा करके मीटिंग करवा रहा लोग। हॉल बड़ा था साहब, हॉल बड़ा था, टीवी छोटा था, हॉल को कौन खत्म किया? फिर क्यों पढ़े, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है, और लेके बैठे हुए हैं कि हम तो छोटा मछली है, बड़ा बड़ा मछली घूम रहा है, जैसे ही बड़ा कुछ करेंगे लोग खा जाएगा, मिडिल क्लास माइंडसेट। तो हॉल को कौन खत्म किया? टीवी। और टीवी को बहुत जल्दी खत्म कौन करेगा? टीवी बड़ा कि मोबाइल? तो बड़ा मछली छोटा मछली को खा कहाँ रहा? छोटा मछली बड़ा मछली को नहीं खा रहा है, अब कौन किसको खा रहा है ये अगला लाइन में मैं बताने वाला हूँ। एक बार ताली हो जाए। अब जो है फास्ट स्लो को खा जाता है, फास्ट फास्ट बस फास्ट है कि टेम्पो? बस पूरा फूल होगा तो चलेगा, टेम्पो चार आदमी में चल देगा, फास्ट कौन हुआ? खा गया। टेम्पो फास्ट की मोटरसाइकिल एक आदमी में भी चल देगा, तो फास्ट किसको खत्म कर दे रहा है? हॉल से फास्ट है टीवी, टीवी ने हॉल को क्या कर दिया? और टीवी से फास्ट कौन है? खत्म कर देगा। बात समझ में आ रहा था? समझ में आ रहा है तो ताली बजाइए। आरसीएम का उद्देश्य क्या है? आरसीएम का उद्देश्य क्या है जानना चाहेंगे? हरे कृष्णा हरे हरे, आरसीएम हरे हरे, हरे कृष्णा आरसीएम हरे कृष्णा आरसीएम। कुछ नहीं कहता आरसीएम, कहता है भैया घर में जो सामान उपयोग होता है उसको घर में लाओ और बढ़िया से सजाओ, बढ़िया से सजाओ, खुद खाओ खुद बेचो, खुद खाओ खुद खाओ, यही ना आरसीएम कहता है, खुद खाओ खुद खाओ। अभी जो छोटा छोटा घर घर में हरे कृष्णा हरे हरे, जो घर घर में आरसीएम की अपनी दुकान लगेगी, हरे कृष्णा हरे हरे आरसीएम हरे हरे, छोटकी छोटकी दुकान जो है बड़का बड़का मॉल को खत्म कर देगा। ताली बजा लीजिए। ये फास्ट है, क्या है? टीवी है, मॉल थिएटर है, ये क्या है? हर घर में खुल सकता है, मॉल क्या है? थिएटर है। बात समझ में आ रहा था? क्लियर हो रहा? एक घर घर में जब खुलेगा फास्ट खत्म कर देगा। ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना चल रहा है, चल रहा था। अगर कोई व्यक्ति फ्लिपकार्ट पर साबुन लॉन्च करेगा, साबुन मंगवाएगा, तो कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा साहब, 3 दिन लगेगा। आपका डिस्प्ले वाल है, बगल वाला फोन किया, सर साबुन चाहिए, सीधा जवाब दीजिए, बाथरूम में घुसिए, आपका बाल्टी भरने से पहले साबुन आपके घर पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, कल भेजा। आपका पड़ोसी अगर हरे कृष्णा हरे हरे आरसीएम हरे हरे के तहत फोन किया, चाय नहीं है, चाय क्या उसको कहना है? पानी चढ़ाइए, आपका पानी खोलने से पहले, आपका पानी खोलने से पहले हरे कृष्णा आरसीएम। एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए साहब, जबरदस्त ताली बजा। बात क्लियर होते जा रहा था? क्लियर होते जा रहा है, वेरी गुड। तो अभी तक आप मिले हमारे रनर साथी तक से, मिले साहब? मिले। अब आपके बीच हम बुलाने जा रहे हैं ऑल बिनर अचीवर। बिनर अचीवर का मतलब है बिजनेस 2,60,000 पीवी रुपए में बात करें तो लगभग 3-4 लाख के व्यापारी होते हैं। हमारे बीच बिनर साथी हैं क्या?
एक बार अपने स्थान से खड़े हो जाएं और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे ऑल स्टार पीन अचीवर जिनका बिजनेस का साइज 3.5 लाख होता है, रुपए में बात करें तो लगभग 5 लाख के व्यापारी होते हैं, थोड़ा उनको भी हम बुलाना चाहेंगे और विनर एंड स्टार साथी हमारे बीच आएंगे। चलिए बताइए।